गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। आज मैं आप लोग को चैप्टर 7 का पार्ट 4 बताने जा रही हूँ। द नाइटिंगेल पोलाइटली रिप्लाइड, यू हैव ऑलरेडी रिवॉर्डेड मी, माय सॉन्ग ब्रॉट टीयर टू योर आईज, अलाउ मी टू विजिट यू एंड सिंग द प्रिंस सॉन्ग ऑफ लाइफ फॉर यू। आई हैव लर्न टू फार अवे प्लेसेस एंड विल टेल यू माय एक्सपीरियंसेस सेइंग सो। द नाइटिंगेल डिसअपीयर्ड। नाइटिंगेल ने आराम से जवाब दिया कि आपने मुझे पहले ही रिवॉर्ड कर चुका है, जब मेरा गाना सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ गए, वही मेरे लिए मेरा पुरस्कार था। मैं अपने जीवन में आपको और प्रकार के गाने सुनाऊंगी। मैं दूर दूर तक उड़ चुकी हूँ और मैं आपको इसका अनुभव बाद में बताऊंगी। ये कहते ही नाइटिंगेल वहां से गायब हो गई। When the emperor's ministers and servants entered his bedchamber to see him, they were surprised to see him sitting up pale and haughty. This news spread throughout China like wildfire, and all of China celebrated his recovery. सम्राट के मिनिस्टर और नौकर जब उनके कमरे में आए तो वो लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए। वह एकदम तंदुरुस्त बैठे हुए थे। ये खबर चाइना में एक आग की तरह पूरे चाइना में फैल गई और चाइना वालों ने मिलकर सम्राट की रिकवरी का सेलिब्रेशन किया। द इम्पीरियल रूल्ड ओवर चाइना फॉर मेनी मोर ईयर्स एंड द नाइटिंगेल ऑलवेज कैम एंड सैंग फॉर हिम मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द डे और व्हेनेवर ही रिक्वेस्टेड हर टू डू सो। सम्राट ने बहुत साल तक चाइना पर राज किया और नाइटिंगेल आती दिन में और उन्हें गाना सुनाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।